बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है हैदराबादी बोटी का सालन, इसे ओजरी भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 किलो बोटी, 2 कप तेल, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ हम बोटी वॉश करने में यूज़ करेंगे, आधा सालन में यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से। ये मसाले हम ग्रेवी में ऐड करेंगे, 5 इलायची, 7 से 8 लौंग, 4 दालचीनी के पीसेस, 1 टेबलस्पून शाहजीरा, 1 टेबलस्पून कबाब चीनी, 3 मीडियम साइज प्याज स्लाइसेस में कट कर लीजिए। अभी इन मसालों को अच्छे तरीके से फाइन पाउडर बना लेंगे। मसाले का पाउडर तैयार है। मैंने यहाँ पे 10 हरी मिर्ची ली, उसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। बोटी अच्छी तरीके से साफ हो गई। अब इसी में थोड़ा सा पानी ऐड करिए, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और बोटी को 15 से 20 मिनट तक हल्दी के पानी में रखिए। मैं यहाँ पे हल्दी यूज़ कर रही हूँ ताकि बोटी में स्मेल ना आए। बोटी का पानी ड्रेन करने के बाद बोटी को गलाने के लिए मैं यहाँ पे कुकर ले रही हूँ। कुकर में सारा बोटी ऐड कर लीजिए। अब इसी में ऐड करिए 1 कप पानी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चॉप प्याज, 1 टीस्पून नमक टेस्ट के हिसाब से। कुकर की 4-5 सीटी हुए तक बोटी को अच्छी तरीके से गला लेंगे। बोटी गल गई है, यानी कुक हो गई है। अब देखिए बोटी गल गई है, कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब सालन बनाने के लिए एक पतीले में तेल ऐड करिए। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद उसी में 3 मीडियम साइज प्याज को ऐड करिए और लो फ्लेम पे प्याज को अच्छी तरीके से भूनेंगे। हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे, उसे 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि हरी मिर्ची का जो तीखापन है प्याज में अच्छी तरीके से भुने जाए। अब इसी में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, अदरक लहसुन पेस्ट। इन सभी को 1 मिनट तक अच्छी तरह से भुनी। मैं इसी में ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। प्याज अच्छी तरह से भुने गया है। अब हम इसी में ऐड करेंगे बॉइल्ड बोटी, यानी गली हुई बोटी। अच्छी तरह से सॉटे करिए। बोटी ऑलरेडी गली हुई है, इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। 1 टीस्पून मसाला पाउडर, मसाले का पाउडर यानी हमने जो पीसा था दालचीनी, लौंग, इलायची, कबाब चीनी, शाहजीरा, बोटी में अच्छी तरह से मिक्स करिए। तेल छूट रहा है, यानी बोटी अच्छी तरीके से भुने के पक गई है। तो तैयार है हैदराबादी बोटी का सालन, आप इसे ओजरी भी कह सकते हैं। अगर अभी तक आपने बोटी का सालन नहीं खाया है, मेरे रेसिपी के प्रोसीजर को फॉलो करिए, ट्राई करिए और इसे आप बार बार खाना पसंद करेंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।